जिला बिलासपुर के गोविंद सागर झील में एक युवती के द्वारा छलांग लगाकर आत्महत्या के प्रयास का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस युवती ने आत्महत्या करने के इरादे से पानी में छलांग लगाई थी। जब आसपास के लोगों ने शोर मचाया तो वहां पर पहले से ही मौजूद रेस्क्यू टीम ने उस लड़की को बाहर निकाला। हालांकि बाहर आने के बाद लोगों ने पूछा कि वह कहां की रहने वाली है, तो उसने बताया कि मैं कुल्लू की रहने वाली हूं। हालांकि उसके बाद एक लड़का भी सामने आया, जिसके साथ उस लड़की ने कहा कि मेरा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, अब रिलेशन समाप्त हो चुका है, और उससे मोबाइल लेने की बात कही। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों ने कहा कि हमें आपके लफड़े से कोई लेना देना नहीं है, और उनको पुलिस में ले जाने की बात कही। ज्वालामुखी मंदिर में अश्विन नवरात्रों में लाखों श्रद्धालुओं ने मां ज्वाला की ज्योति के दर्शन किए और मां का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इन नवरात्रों में श्रद्धालुओं द्वारा कुल चढ़ावा 79,40,209 रुपए सोना, 58 ग्राम 200 मिलीग्राम और चांदी 6 किलो 467 ग्राम मां के चरणों में श्रद्धा के रूप में चढ़ाए गए। पिछले साल अश्विन नवरात्रों में ज्वालामुखी मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा 59,52,630 रुपए सोना, 43 ग्राम 700 मिलीग्राम और चांदी 4 किलो 220 ग्राम श्रद्धा के रूप में मां के चरणों में अर्पित की गई थी। पिछले साल की बजाय इन नवरात्रों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई कुल चढ़त में 9,87,579 सोना, 14 ग्राम 500 मिलीग्राम और चांदी 2 किलो 247 ग्राम की बढ़ोतरी हुई। नशे के गढ़पद्रोह में नौजवान पीढ़ी को नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इंदौरा के थपकोर गांव के रहने वाले 41 वर्षीय राजीव वशिष्ठ ने युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने के लिए कमर कस ली है। उनका कहना है कि वे युवा पीढ़ी को खेलों के लिए प्रति उत्साहित कर रहे हैं, ताकि युवा पीढ़ी का ध्यान नशे में ना होकर खेलों के प्रति हो। राजीव वशिष्ठ ने बताया कि इस नशे के गढ़ में रोज सुबह लगभग 200 युवा भागते और कसरत करने आते हैं, जो कि पहले एक भी युवा सड़क पर कसरत करते हुए नहीं दिखता था। राजीव सिस्ट ने इसमें डेनकवर स्कूल में बतौर हिंदी प्रवक्ता की पद पर तैनात हैं। उन्होंने बताया कि मैं और मेरे साथ युवा लड़के हर रोज देर रात तक अलग अलग टोलियों में सड़क पर घूमते रहते हैं और निगाह रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति नशे का सेवन ना करे और इससे बचे। कई लोगों को जो कि नशा बेचते हैं, उनको पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया जा चुका है। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। राजीव वशिष्ठ पर हर समय खतरा मंडराता रहता है, पता नहीं कब नशे के कारोबारी उन पर हमला कर दे, परंतु फिर भी उनका एक ही लक्ष्य है कि वे युवा पीढ़ी को किसी भी हालत में नशे से दूर रखें। भाजपा द्वारा आयोजित संकल्प यात्रा का जवाब देने के लिए कांग्रेस समूचे राष्ट्र में संदेश यात्रा का आयोजन कर रही थी, लेकिन सोलन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार की अध्यक्षता में भाजपा का अनुसरण करते हुए संदेश यात्रा की बजाय संकल्प यात्रा का आयोजन ही कर डाला। अब इसकी वजह क्या रही, क्यों जिला अध्यक्ष यात्रा के नाम को लेकर अनभिज्ञ थे, ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन सोलन में आज ये बात चर्चा का विषय जरूर थी। आपको बता दें कि ये रैली सोलन के विश्राम गृह से डीसी ऑफिस तक निकाली गई। इस मौके पर सोलन के जिलाधीश के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। इस संदेश यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश में आर्थिक मंदी को लेकर जन जन तक संदेश देना था। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर अंडमर की राजनीति कर रही है, उसके बारे में जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी के सपनों का भारत कुछ और था, लेकिन भाजपा ने उसे जातिवाद और हिंसा से बड़ा भारत बना दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा महात्मा गांधी का नाम उपयोग में तो ला रही है, लेकिन उनके सिद्धांतों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि आज देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो रोजगार थे वो भी बेरोजगार हो गए हैं, महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इन्हीं विषयों को लेकर आज जनता को संदेश देने का प्रयास किया गया और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा गया। गौरतलब है कि सोलन कांग्रेस के जो बैनर थे वो संदेश यात्रा के ही थे, लेकिन
फिर भी न जाने क्यों सोलन कांग्रेस अध्यक्ष के जहन में भाजपा ही संकल्प यात्रा की थी और ये संदेश यात्रा का नाम संकल्प यात्रा ही बताते नजर आए।